विंध्यनगर थाना के जयंत पुलिस चौकी में बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध शराब तस्करों का जखीरा पकड़ा, तस्कर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देश एवं विंध्यनगर टीआई अरुण पांडे के नेतृत्व में जयंत चौकी प्रभारी आरपी मिश्रा को मिली बड़ी सफलता। आचार संहिता के मद्देनजर अवैध कारोबार में संलिप्त गुंडा बदमाश अपराधियों के खिलाफ जारी है अभियान, जिसके तहत जयंत पुलिस चौकी प्रभारी आरपी मिश्रा ने मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने के आधार पर बस पड़ाव बस्ती में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को धर दबोचा। चौकी प्रभारी आरपी मिश्रा ने थाना प्रभारी अरुण पांडे को सूचना से अवगत कराते हुए टीआई अरुण पांडे के नेतृत्व में छापामारी कर अवैध शराब की तस्करी के आरोपियों को घेराबंदी कर लाखों की शराब जब्त की है। पुलिस ने मौके पर शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। घेराबंदी के दौरान 78 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। आरोपी चुलबुल उर्फ भागवत कौल पिता श्यामलाल कौल निवासी बस पड़ाव नर्सरी जयंत का रहने वाला बताया जा रहा है। उक्त कार्रवाई में प्रधान आरक्षक सूर्यवान साकेत, प्रधान आरक्षक प्रमोद तिवारी, आरक्षक नीरज रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज दिनांक को मूल सूचना के आधार पर जयंत क्षेत्र में चुलबुल उर्फ भागवत पिता श्यामलाल निवासी बस पड़ाव नर्सरी जयंत को कुल 78 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा आरोपी को जेल भेजा गया है। जी सर, कैसे जानकारी हो कि इतना सारा शराब कैसे सूचना मिली थी? आरोपी को सूचना के आधार पर पकड़ा गया और उसी के आधार पर आरोपी को कार्यवाही की गई। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।